एम्प्लॉयमेंट की बात आई, एम्प्लॉयमेंट में मैं तथ्य रखना चाहूँगा सबके सामने, क्योंकि किसी ने कहा कि आपने तो पूरा एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर दिया, किसी ने कहा कि रेलवे में तो अब कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होता, बंद ही हो गया, बैन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, रिक्रूटमेंट चल रहा है। माननीय सभापति जी, 9 से 14 में 2,42,709 अपॉइंटमेंट्स हुए थे, उसके बाद में 14 से अब तक ऑलरेडी 3,44,646 अपॉइंटमेंट्स हो चुके, साथ ही साथ अभी चल रहा है 1,40,713 पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। ज़रूर दिक्कत हुई थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कैंडिडेट्स के बीच में और हमारे अधिकारियों के बीच में, लेकिन हमने अत्यंत संवेदना के साथ उस मैटर को डील किया और जल्दी से उसको सॉल्व किया, सॉल्व भी किया, संवाद भी किया और उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने नहीं दिया। डिस्क्रिमिनेशन की बात आई, सारे के सारे राज्यों का किस राज्य को अलॉटमेंट है उसके आंकड़े रखे जा सकते हैं, समय की मर्यादा है तो मैं सभी एक एक स्टेट का नहीं रखूंगा आंकड़ा, लेकिन किसी भी स्टेट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बहुत क्लियरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आप लैंड एलोकेशन में, लैंड एक्विजिशन में हमारी मदद कीजिए, आप 2 कदम चलेंगे, हम 5 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नई जोन्स और नई डिविजन्स की बात आई, मैं आपको साइंटिफिकली और बहुत ही ट्रांसपेरेंटली सबके सामने रखना चाहूँगा, कहीं पर भी रीजनल बेसिस पे जोन बनाने की हमें बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम रेलवे के हितैषी हैं, अगर हम देश के हितैषी हैं, तो हमें रेलवे को ऑपरेशनल बेसिस पे ही चलते रहना देना चाहिए, उसमें कभी भी रीजनलिज्म लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट में कमिटमेंट किया गया है साउथ कोस्ट का, वो भी ऑनरेबल आचार्य साहब ने कहा था कि क्या वो रीजनल बेसिस पे, वो भी रीजनल बेसिस पे नहीं होगा, उसमें भी जो कमिटमेंट किया गया उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा और उस पर काम तेज़ी से, अभी पिछले 6 महीने में अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है साउथ कोस्ट में, साउथ कोस्ट रेलवे। बात आई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्वेश्चन किया गया था, रेलवे ने कई वर्षों तक अपने फेयर्स बहुत ही वाजिब रखे हैं, आज पैसेंजर्स को यात्री सेवाओं में 1.16 रुपये, ऐसा कैलकुलेशन ऑफिसर्स ने किया है, 1.16 रुपये कॉस्ट आती है, लेकिन हम चार्ज करते हैं केवल 48 पैसे, करीब 62,000 करोड़ का सोशल ऑब्लिगेशन सब्सिडी पैसेंजर फेयर्स पे दी जाती है और ये हमारी संवेदना